हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, सीक्रेट ऑफ माय ड्राइंग, तो हाँ, इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपकी ड्राइंग मेरी तरह हो जाएगी, किस तरह से आप अच्छे से बना पाओगे। तो आपको सबसे पहले चाहिए एक स्केच बुक, पेपर, कुछ भी। मैं स्केच बुक यूज़ करूँगा और पेंसिल्स मेरे पास वैनगो की हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और आउटलाइन के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा। तो चलो देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप फोटोग्राफ चूज़ करो जो भी आपको बनानी है, और आप उसका प्रिंट ले सकते हो। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप उसका प्रिंट लो तो बनाओ। मेरे को प्रैक्टिस है तो मैं फ़ोन से बना लेता हूँ। तो ये फोटोग्राफ है जो कि मैं बनाऊँगा। अगर आपको यही बनानी है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके यही ड्रॉ कर सकते हैं। सो आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा मैकेनिकल पेंसिल, और सिंपली फ्री हैंड में आउटलाइंस ड्रॉ करूँगा। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो आप ग्रिड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पेशेंस के साथ अच्छे से ऑब्जर्व करके बनाएंगे बिल्कुल पास से, तो आप फ्री हैंड भी एक्यूरेट बना पाएंगे। बस हमने फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करना है लाइट एरियाज, डार्क एरियाज, आईज, नोज, लिप्स और फेस का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आपको नॉलेज होनी चाहिए उसकी। तो अगर आपको वो सब भी नहीं पता तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो सिंपली इन सभी बातों का ध्यान रख के मैं आउटलाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करनी है या यही पेपर यूज़ करना है, आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं और कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आउटलाइंस के लिए। सो गाइस, आउटलाइंस तो कंप्लीट हो गया, जिसको बनाने मुझे पूरा आधा घंटा लग गया, तो कुछ इस तरह की लग रही है। सो अब मैं यूज़ करूँगा वैनगो की ग्रेफाइट पेंसिल्स। आप कोई भी ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीप हो, एक्सपेंसिव हो, कोई भी। अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल है तो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसी तरह का बना पाएंगे। शेडिंग करने से पहले गाइस, अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से बिल्कुल लॉन्ग पॉइंट कर लें ताकि शेडिंग आप अच्छे से कर पाएं। सो सबसे पहले फर्स्ट लेयर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एचबी पेंसिल। तो अच्छे से ऑब्जर्व करूँगा कि लाइट एरियाज कहाँ पे है, डार्क एरियाज कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट लेयर करूँगा। तो गाइस, कंप्लीट फेस में मैंने शेडिंग कर लिया है, और मैंने ओनली दो पेंसिल्स का यूज़ किया है, HB एंड 2B। HB लाइट के लिए और थोड़ा डार्क करने के लिए, 2B का यूज़ किया है। मैंने डार्क एरिया ज़्यादा डार्क नहीं किया, जैसे कि आईज वगैरह में, वो हम बाद में कर लेंगे। अभी बेसिक मैंने फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर किया है। नेक में भी गाइस, जिस तरह से मैंने फेस में लाइट डार्क किया था HB 2B पेंसिल का यूज़ करके, वैसे ही कर रहा हूँ। और कहीं पे अगर ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पे मैं 9B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। हेयर में जो भी वाइट हेयर है उनको ऑप्ट करने के लिए मैं इंडेंटिंग कर रहा हूँ। इंडेंटिंग के लिए मैं 0.9 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। हेयर में फर्स्ट लेयर करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ी लाइट होनी चाहिए। 2B 4B यूज़ कर सकते हैं। हेयर में डार्क करने के लिए मैं 9B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, प्रेशर के साथ में। आईज में डार्क करने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, प्रेशर का अप्लाई कर रहा हूँ जो भी डार्क एरियाज हैं। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का। तो ये मेकअप ब्रश है, आप इस तरह कोई ब्रश ले सकते हैं जो कि फ्लैट हो, और कम प्रेशर के साथ हल्के से ब्लेंडिंग करनी है। सो अब मैं हेयर में भी ब्लेंड कर लेता हूँ इसी ब्रश का यूज़ करके। अब गाइस, देख सकते हैं आप फेस में मैं कितने छोटे छोटे डॉट्स से लगा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं टेक्सचर। तो फेस का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा रफ टाइप का है, तो उसमें मैं अच्छे से डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है। तो आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ इस तरह से काम करना है, इसी तरह से मैं कंप्लीट फेस में करूँगा। अब फेस में हाइलाइट्स करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नीड इरेजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो फेस थोड़ा फ्लैट सा लग रहा है, अगर इसमें थोड़े हाइलाइट्स कर देंगे तो ये बिल्कुल 3D लगेगा, हाइपर रियलिस्टिक सा लगेगा। तो इस तरह से बस स्लोली स्लोली हाइलाइट्स करने हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छे मिलेंगे।
तो गाइज देखो हाईलाइट्स करने के बाद फेस कितना मस्त लग रहा है अब। सो हाईलाइट्स के लिए मैं टॉम्बो जीरो लेजर का यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व करके कि हाईलाइट्स हैं कहाँ पे वाइट हेयर। तो गाइस फेस और हेयर तो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो चुके हैं, अब मैं ड्रॉ करता हूँ क्लोथ्स को। तो क्लोथ्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल, और डार्क एरियाज़ के लिए मैं यूज़ करूँगा 9B पेंसिल। तो इन्हीं दो पेंसिल्स का यूज़ करूँगा अच्छे से ऑब्जर्व करके कि लाइट कहाँ पे है डार्क कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग शेडिंग करूँगा। और क्लोथ्स में मैं बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं करूँगा बिकॉज क्लोथ का टेक्स्चर थोड़ा रफ ही होता है। तो गाइज़ यह है फाइनल वर्क जिसको बनाने में मुझे पूरे 6 से 7 घंटे लग गए, बिल्कुल स्लोली स्लोली पेशेंस के साथ मैंने काम किया और आपको बताया स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैंने बनाया। सो गाइज जैसे कि आपने देखा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैंने कंप्लीट स्केच बनाया रियलिस्टिक। तो अब बात करते हैं सीक्रेट के बारे में। काफ़ी लोग मतलब ये सोच रहे होंगे मैं कोई सीक्रेट आपको बताऊंगा, कोई एक अनोखी सी ट्रिक बता दूंगा जिससे कि आपकी ड्राइंग एकदम से इंप्रूव हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा और आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो लिटरली गाइज ऐसा हो सकता है कुछ भी ऐसा कि मैं आपको बताऊं और आपकी ड्राइंग इंप्रूव हो जाए। काफ़ी लोग ना बिल्कुल अच्छे से खुश होकर आए होंगे वीडियो देखने के लिए कि सीक्रेट बता लेगा सीक्रेट बता लेगा, बट ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होता है गाइज। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया ना बस आपने इसी तरह से बनाते रहना, चाहे आपसे टेढ़ा बने चाहे कैसा बने बस बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। अब जब आप बना लोगे ना 200-300-400 स्केचेस आपको इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। मैंने आपको अच्छे से प्रोसेस समझा दिया है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, अब आपके ऊपर है प्रैक्टिस करना। मैंने आपको समझा दिया, समझाने से भी आपको नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं करोगे। आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की आउटलाइन के लिए और मैंने शेडिंग के लिए भी यूज़ की, तो मेरे को पता था इससे किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा, मुझे किस तरह से प्रेशर कंट्रोल करना है। अगर आप मेरे बगल में बैठे हो ना तब भी मैं शेडिंग कर रहा हूँ या फिर बना रहा हूँ ना तो भी आप देख के नहीं सीख सकते हो, आपको करना जरूर पड़ेगा। बिकॉज आपको क्या पता मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, मेरे जो हैंड की मेमोरी है मेरे को पता है कि लाइट डार्क किस तरह से करना है, किस तरह से प्रेशर को कंट्रोल करना है, जो कि मेरे को एक्सपीरियंस आया है। आपने मेरी स्केचबुक टूर वाली वीडियो देखी, कितने सारे मैंने स्केचेस बनाए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे को पता है किस तरह से लाइट डार्क करना है। तो ऐसा कोई भी सीक्रेट नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है, जो था सब आपके सामने दिखाया मैंने आपको। सो गाइस जो भी चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आई होप आपको समझ में आया, कि मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। बस ये कहूँगा कीप ड्राइंग कीप प्रैक्टिसिंग, बस ये करते रहो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आपको खुद दिख जाएगा। और इसी तरह से और ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।